मिल रही है जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में चारों सीटों पर जीत भाजपा की ही होगी। शिवराज के नेतृत्व में कई पैमानों पर प्रदेश आगे आया है और बंटाधार मध्य प्रदेश से विकसित मध्य प्रदेश बना है। सड़क बिजली पानी से लेकर कृषि के क्षेत्र में प्रदेश आगे आया है। गेहूं उपार्जन में भी मध्य प्रदेश एक नंबर पर है। हर गरीब के जीवन को बदलने का काम शिवराज सरकार ने किया है और कांग्रेस अब लोकतांत्रिक दल नहीं परिवार का दल बन गई है और कांग्रेस अपने हालातों पर चिंतन करे। ये चुनाव इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कई भ्रम तोड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बूथ पर जमीन पर जो मेहनत की है इसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस चुनाव में एक लोकसभा और तीन विधानसभाओं के चुनाव में इतिहास बनेगा। हम ऐतिहासिक बहुमत से जीते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई पैमानों पर मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर वन बन के उभरा। जो बंटाधार मध्य प्रदेश था दुरावस्था के दौर में था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस गति के साथ विकास की धारा से जोड़ा, सड़क बिजली पानी से लेकर कृषि के क्षेत्र में लगातार पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतते हुए आज गेहूं के उत्पादन से लेकर उपार्जन में भी भारत के अंदर मध्य प्रदेश एक नंबर।